नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा ने चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, मेरे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश में बीजेपी आपकी बार पूरी तरह से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। आपकी बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो, तो इसके लिए अलग अलग ढंग से वह अपने मैनेजमेंट को आगे करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें वर्तमान परिस्थितियों की, तो वर्तमान परिस्थिति में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का संयोजक बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से ही आते हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री का जिम्मा वह केंद्र में संभाल रहे हैं, तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में उनको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो वह एक चुनावी प्रबंधक माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर मध्य प्रदेश में रहे, तो इसी तरह से एक बार फिर से वह आमद देंगे मध्य प्रदेश में और चुनावी प्रबंधन का जिम्मा संभालेंगे। तो यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी अपडेट है और बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है कि बीजेपी को एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश में आमद दे चुका है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सत्ता पर काबिज कराने के लिए तैनात रहेगा। बात करें वर्तमान परिस्थितियों की, तो यहां पर चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी सक्रिय है और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी लगातार सक्रिय है। वह आज भी भोपाल आए और वह चुनावी तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जो चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उन्हें एक तटस्थ नेता माना जाता है, जनता के बीच उनकी पैठी मानी जाती है और मध्य प्रदेश के एक एक कोने से वाकिफ हैं और मध्य प्रदेश में वो काफी समय तक सक्रिय रहे। युवा मोर्चा की राजनीति से लेकर वर्तमान जो राजनीति देखें, उसमें काफी कुछ उनका बड़ा अनुभव है और उसी का परिणाम है एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मध्य प्रदेश में अगर एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर आते, तो चुनावी का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, वह काफी कुछ रोचक हो जाएगा और एक बड़ी भूमिका एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर की यहाँ देखने को मिलेगी। एक क्योंकि काफी समय से उन्होंने जो मध्य प्रदेश में बीजेपी काबिज है, उनकी बड़ी भूमिका रही है और एक बार फिर से बड़ी भूमिका उनकी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को ही ये जिम्मेदारी क्यों? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कांग्रेस पर क्या कुछ असर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जब चुनाव प्रबंधन को वो संभालेंगे, तो क्या कुछ असर कांग्रेस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? ये बात कर नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा अनुभव मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के वो नेता रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ही उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि आगे बढ़ती रही है। युवा मोर्चा में दोनों ने साथ में काम किया है। बात करें प्रदेश में जो अध्यक्ष थे, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो इसी तरह से दोनों की जो जुगलबंदी है काफी कुछ पुरानी है। बात कर नरेंद्र सिंह तोमर की, नरेंद्र सिंह तोमर के जो स्थानीय नेता है कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल है, उनसे भी अच्छी जुगलबंदी है, वहां भारत उनका अच्छा समन्वय है। इसी तरह से जो कोने कोने के जो नेता है, उनसे भी उनकी सीधा संपर्क है कि वो काफी समय तक यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे और युवा मोर्चा की राजनीति से भी जुड़े रहे और वो ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। ग्वालियर चंबल इलाका आपकी बार काफी कुछ महत्वपूर्ण है। बात करें पिछले समय की, 2018 के चुनाव की, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ बढ़त हासिल की थी, तो अब की बार अगर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगर मध्य प्रदेश में मोर्चा संभालते हैं, तो काफी कुछ ग्वालियर चंबल की सीटों पर भी हमको प्लस माइनस देखने को मिलेगा और बीजेपी अब की बार वहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को यह जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई है कि नरेंद्र सिंह तोमर का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और उसी का नतीजा है कि नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आमद दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कदम का ताल करते हुए एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई देंगे। और बात करें उनको कांग्रेस के मैनेजमेंट की, तो कांग्रेस को अब की बार में काफी कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में आमद दे रहा है बीजेपी का, उसके लिए केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस के जो आला नेता है, जो केंद्रीय नेता है, उनको अभी मध्य प्रदेश में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। यहाँ पूरी तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सारा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और वही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है, उसके वो बीच उसके बाद काफी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। केंद्रीय नेताओं का आमद हो सकती है, राहुल गांधी भी यहां आ सकते हैं, प्रियंका गांधी की भी संभावना जताई जा सकती है। इस तरह जो आला नेता है उनको भी मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो आसपास के जिले हैं या आसपास के जो प्रदेश हैं, उनके जिलों के जो नेता हैं, उनको भी मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी कांग्रेस सौंप सकती है। तो जो नरेंद्र तोमर की जो आमद है, उसके बाद काफी कुछ कांग्रेस में फेरबदल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, काफी फेरबदल कांग्रेस में नजर आने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।